अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाल मिर्च का ठेसा। तो ये मैंने लाल मिर्च ले ली थी, मैंने 50 ग्राम ही ली थी। अगर क्वांटिटी आपको ज़्यादा या कम लेनी है तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और क्योंकि मिर्च बहुत तीखी थी इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले लेना। और कश्मीरी मिर्च इसलिए ऐड की थी, इससे कलर थोड़ा अच्छा आता है। और थोड़े से लहसुन की कलियाँ ले ली थी छील के। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है, थोड़ा सा ही तेल डालना है इसमें और हल्का हल्का ही फ्राई कर लेना है मिर्च को, क्योंकि हमको इसको बारीक करना है। तो आप ऐसे ही करोगे तो नहीं होगी, तो थोड़ा हल्का गरम करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। थोड़ा हल्का गरम हो गया है, उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। तो ज़ीरा मैंने आधा चम्मच डाला था क्योंकि बाद में भी मैं ज़ीरे का यूज़ करूँगी। तो क्वांटिटी आप मसाले की, अगर मिर्च ज़्यादा या कम ले रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी और नमक की भी कम या ज़्यादा कर लेना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, मिर्च हो गई थी थोड़ी सी और ज़ीरा भी डाला था, वो भी हो गया था। उसके बाद मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी थी और हल्का सा ही फ्राई करेंगे। गैस की स्पीड कम रखनी है, फूल नहीं रखना, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। उसके बाद ठंडा करने के बाद मैंने सिलबट्टे से ऐसा कर लिया था इसको। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हो। मिक्सी में दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो ये क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा था इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही किया है। या तो आपके पास इस तरह का होगा तो इससे भी कर सकते हो आप। और हल्का हल्का ही इसको मैंने कर लिया था क्योंकि स्टार्टिंग में ये साइज़ भी इसका छोटा है और स्टार्टिंग में पूरा नहीं होगा। तो आप मिक्सी में भी दरदरा सा पीस सकते हो, बिना पानी के पीसना है। ज़्यादा इसको बारीक भी नहीं करना और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। अगर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप इसको कंटेनर में डाल के लेके जा सकते हो। कोई भी लॉक कंटेनर में रखना है और लेके जा सकते हो। और तेल बहुत कम डालना अगर आप ट्रैवलिंग के लिए लेके जा रहे हो तो। तो ये देखिए हो गया था, तो मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए थोड़ा दरदरा सा ही है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना है हमको। उसके बाद गैस ऑन कर लिया है फिर से मैंने और आधे चम्मच के करीब तेल डाला है। तेल डालने के बाद आधा चम्मच ही ज़ीरा डालूँगी मैं, क्योंकि आधा चम्मच मैंने पहले डाल दिया था। और ज़ीरा होने के बाद जो हमने मिर्च को दरदरा सा कूट लिया था वो डालेंगे। और स्लो गैस पे ही करना है ये प्रोसीजर, फुल गैस पे मत करना नहीं तो मिर्च जल जाएगी। और हल्के हाथ से हिला लेना है इसको और फिर निकाल के ठंडा करके कंटेनर में रख लेंगे। नमक नहीं डाला था मैंने, तो नमक डालूंगी मैं आधा चम्मच। ये देखिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।